पास पोको M6 Pro है या कोई और फ़ोन है, तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं अपनी स्क्रीन से, कैसे उसको बंद कर सकते हैं अगर बार बार पॉपअप आ रहा है किसी नोटिफिकेशन का, किसी भी एप्लीकेशन का। तो आप जाएंगे सेटिंग पे, स्क्रॉल करेंगे, नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन है, इस टाइप से ऑप्शन आएगा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है सिर्फ इतना ही है, बाकी ये कंट्रोल सेंटर की सेटिंग है। और बाकी एक ये होता है ना जिसमें आप नोटिफिकेशन शेड चाहते हैं ऐसे स्वाइप डाउन करने पे, तो आप ऑन कर सकते हैं, ये लॉक स्क्रीन पे काम करता है। और बंद कर देंगे तो लॉक स्क्रीन जब रहेगी तो ऐसे करने पे नोटिफिकेशन शेड नहीं आता आपका, ठीक है। और अब चलिए शुरू करते हैं इतनी नोटिफिकेशन की जो सेटिंग है। सबसे पहले लॉक स्क्रीन पे चलते हैं। लॉक स्क्रीन पे आपका फॉर्मेट कैसा रहता है ये आप देख लेंगे। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, लेकिन अभी इस फ़ोन में कोई लॉक सेट नहीं है तो इसलिए दो ऑप्शन है। अगर आपके पास तीन आ रहे हैं तो बीच वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, शो कंटेंट ओनली, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, फिर थर्ड। थर्ड आते हैं ना, तो बीच वाला जो ऑप्शन होता है उसको चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे जो भी नोटिफिकेशन रिसीव होते हैं इनको आप ऑफ कर सकते हैं, अगर लॉक स्क्रीन पे नहीं चाहिए इनके नोटिफिकेशन तो। इसके बाद बैक कर लेंगे, इसके बाद यहाँ फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आ जाता है, तो यहाँ पे ये वाला रहने देंगे। और यहाँ पे फ्लोटिंग नोटिफिकेशन किसी का बंद करना है तो ऐसे करके बंद कर सकते हैं, चालू करना है तो चालू कर सकते हैं। इसके बाद बैजेस आ जाता है, जो रेड कलर के डॉट आते हैं ना नोटिफिकेशन के, कि इतना नोटिफिकेशन आपको रिसीव हुआ है इस एप्लीकेशन पे, रेड डॉट, वो आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। और नीचे ऑफ वाले मिल जाएंगे, उनको आप अलाउ कर सकते हैं। इसके बाद ऐप नोटिफिकेशन आ जाता है, तो ऐप नोटिफिकेशन पे आप यहाँ पे ऐसे करके सेट कर लेंगे, इनके नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते हैं आप यहाँ पे ऑफ़ कर लेंगे, इसको डायरेक्टली यहीं से आप ऑफ़ कर लेंगे अगर नहीं चाहिए तो, और चाहिए तो यहाँ पे ऐसे फिल्टर मार लेंगे। तो ये नोटिफिकेशन आपको शो नहीं होते हैं तो ऐसे करके ऑन कर लेंगे, तो इनके शो होने लग जाएंगे नोटिफिकेशंस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बैक कर लेना है, नोटिफिकेशन शेड पे क्लिक करना है। तो MIUI वाला वर्जन चाहिए या एंड्रॉयड वाला? तो MIUI वाला लेटेस्ट है तो मैं ये वाला कर लेती हूँ। इसके बाद बैक कर लेंगे। नोटिफिकेशन इफ़ेक्ट का एक ऑप्शन है आपको मिल जाता है पोको में, जिसमें आप ये कुछ इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, एनिमेशन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। तो नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो ऐसे करके एनिमेशन आएगा आपकी स्क्रीन पे। इसके बाद बैक कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये कंट्रोल सेंटर वगैरह अलग है। और एक चीज़ और आ जाता है, नोटिफिकेशन आइकन। नोटिफिकेशन आइकन शो करना है तो यहाँ पे आप शो कर लेंगे और इसके बाद बैक कर लेंगे। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।